विश्व युद्ध के दौरान जिस तरह से फासिस्ट इटली के लीडर थे मुसोलिनी जी महाराज और नाजी जर्मनी के लीडर थे हमारे हिटलर बाबा, ठीक उसी तरह इंपीरियल जापान का चेहरा थे हिदेकी तोजो। हालांकि मुसोलिनी जी और हिटलर ने यूरोप में तबाही मचाई थी और अमेरिका को यूरोप में उतना नुकसान नहीं हुआ था जितना कि एशिया पैसिफिक फ्रंट पर जापान ने किया था, इसलिए हिदेकी तोजो को आप अमेरिका का खास दुश्मन भी कह सकते हो। और ये जापान के इतिहास के सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर थे जिन्हें उनके युद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा दी गई थी। उन्होंने सन 1941 से लेकर 1944 तक जापान के प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया था और इसी दौरान जापान ने पैसिफिक फ्रंट पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। हिदेकी तोजो का जन्म 30 दिसंबर 1884 को टोक्यो में हुआ था। उनके पिता का नाम हिडेनोरी तोजो था जो कि जापानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे और ये एक समुराई परिवार से थे जिन्हें बचपन से ही सैन्य ट्रेनिंग मिली हुई थी। और जापान में ही वो समय ऐसा था कि जब नए नए युवा लड़कों को देशभक्ति के नाम पर आर्मी में ज्वाइन के लिए प्रेरित किया जाता था। इसी तरह तोजो ने आर्मी कैडेट स्कूल से पढ़ाई की और 1905 में जापानी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन किया और इसी साल उन्हें इंपीरियल जापानी आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट का पद भी मिला। 1905 का ये वही साल था जिस साल रशिया और जापान ने पोर्ट्समाउथ की ट्रीटी साइन की थी जिसमें अमेरिका का अहम रोल रहा था। और हिदेकी तोजो सहित कई जापानी राष्ट्रवादी इस ट्रीटी से खुश नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि अमेरिका ने जापान को धोखा दिया है। और आगे चलकर तोजो ने जापान के बाहर जर्मनी और साइबेरिया में भी अपनी सेवाएं दी और अमेरिका की भी यात्रा की। 1928 तक तोजो को जापानी सेना में मेन ब्यूरो का पद मिल चुका था जिसके तुरंत बाद उन्हें प्रमोशन के तौर पर कर्नल का पद भी दिया गया। तोजो 1934 तक मेजर जनरल का पद भी प्राप्त कर चुके थे। इसी दौरान वो जापान के साम्राज्य को बढ़ाने के पक्ष में भी थे। वो जापान में कोडोहा नाम के एक राष्ट्रवादी गुट में भी शामिल थे। उन्होंने जर्मनी और इटली के साथ गठबंधन की वकालत की थी। उनका प्रभाव अब जापान की राजनीति में बढ़ता ही जा रहा था और 1938 तक वो डिप्टी मिनिस्टर ऑफ वॉर बन चुके थे और 1940 से लेकर 1941 तक वो वॉर मिनिस्टर के तौर पर भी नियुक्त रहे जिस दौरान फुमिमारो कोनो जापान के प्रधानमंत्री थे। वो अमेरिका के खिलाफ युद्ध के समर्थक थे। वो चाहते थे कि जापान अमेरिका सहित पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर हमला करे। इसी दौरान जापान के प्रधानमंत्री फुमिमारो कोनो ने 18 अक्टूबर 1941 को अपना इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद वो जापान के 27वें प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री बनते ही सारा का सारा पावर अब प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास आ गया। इसी दौरान उन्होंने एडमिरल यामामोटो के सुझाव पर पर्ल हार्बर पर हमले की अनुमति भी दे दी और जापानी सम्राट हिरोहितो को इसके लिए मना भी लिया। खैर जापानी सम्राट को तो मानना ही था। और यहाँ से हिदेकी तोजो की तानाशाही शुरू हो गई। दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर एक भीषण हमला किया गया जिसमें अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान हुआ। साथ ही साथ ब्रिटेन, फ्रांस और डच की कॉलोनियों पर भी हमले किए गए। इस युद्ध के दौरान जापान ने कई क्षेत्रों को बहुत ही कम समय में ही जीत लिया था। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में ही कह चुका हूँ कि जापान दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया तक और बर्मा से भारत तक पहुँच चुका था, लेकिन इसी दौरान जापानी आर्मी ने जो अत्याचार किए वो इंसानियत को दहला देने वाले थे। खास तौर पर चीन में जो किया वो तो बहुत ही खतरनाक था। नानकिंग नरसंहार विश्व इतिहास की सबसे दुखद घटना थी जहाँ पर रोजाना बलात्कार हुए थे। मैं जल्दी इस टॉपिक पर वीडियो लाने वाला हूँ। नानकिंग नरसंहार के अलावा जापानियों ने युद्ध अपराधियों के साथ भी काफी बुरे बर्ताव किए, इसलिए जब जापान के पाप का घड़ा भरा तो जापान के उल्टे दिन भी शुरू हो गए। ठीक बिल्कुल इटली के मुसोलिनी और जर्मनी के हिटलर की तरह जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो के भी बुरे दिन शुरू हो गए। इसलिए शुरू में तो सब बढ़िया चला। जापान ने बहुत ही कम समय में काफी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था, लेकिन मिडवे की लड़ाई के बाद से सब कुछ पलट गया। अलाइट पावर अब जापान पर भारी पड़ने लगी, इसलिए जापान की हार को देखते हुए अब इन्हीं पर सवाल उठने लगे। और लगातार हार के कारण 18 जुलाई 1944 को इन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया। जब जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यूरोप की तरह ही एशिया में भी युद्ध के अपराधियों को सजा देने की बात कही गई और न्यूरेम्बर्ग के जैसे ही टोक्यो ट्रायल चलाए गए। यह ट्रायल 1945 से लेकर 1952 तक चलाए गए थे जिसमें अलाइट पावर के सुप्रीम कमांडर डगलस मैकआर्थर ने युद्ध अपराधियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए जिसमें तोजो भी शामिल थे। गिरफ्तारी से पहले तोजो ने आत्महत्या की कोशिश भी की थी, लेकिन गोली लगने के बाद भी वो बच गए जिसके बाद उनका इलाज हुआ और जिसके तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। अगर बात करें टोक्यो ट्रायल की
तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद एशिया पैसिफिक फ्रंट पर हुए युद्ध अपराध के लिए सभी मित्र राष्ट्रों ने न्यूरेमबर्ग के ट्रायल के तर्ज पर ही टोक्यो ट्रायल चलाया, जिसमें 11 जज शामिल थे। मामला एशिया का था, इसलिए इस ट्रायल में 2 जज एशिया से भी थे। एक थे फिलीपींस से तो दूसरे थे भारत से, यानी कि राधा विनोद पाल। बाकी जज यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से थे। और हाँ, इस पूरे मुद्दे पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है, जिसमें इरफान खान ने राधा विनोद पाल की भूमिका निभाई है। खैर, मैंने यह वेब सीरीज देखी नहीं है, अगर आप में से किसी ने देखी है तो जरूर बताइएगा कैसी है। इस ट्रायल में पहले जापान के वरिष्ठ अधिकारियों को सजा सुनाई गई, जिनमें से ज्यादातर हिदेकी तोजो के मंत्रिमंडल में शामिल अधिकारी थे। डगलस मैकआर्थर ने 39 आरोपियों की एक लिस्ट तैयार की थी और उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे, और 4 नवंबर 1948 तक 28 जापानी अधिकारियों को सजा सुनाई जा चुकी थी। हालांकि इनमें से 2 की मौत पहले ही हो चुकी थी और एक मानसिक रूप से पागल हो चुका था। बाकी 25 अधिकारियों में से 7 को मौत की सजा सुनाई गई, जिनमें से 2 जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शामिल थे, यानी कि हिदेकी तोजो और कोकी हरोता। इनके साथ साथ इवाने मात्सुई को भी मौत की सजा दी गई, जिन्हें नानकिन नरसंहार का आरोपी माना गया था। इनके अलावा हितारो किमुरा को भी मौत की सजा सुनाई गई, जिन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी कि युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के पकड़े गए सैनिकों के साथ किए गए अत्याचारों का आरोप लगाया गया था। और सजा के अनुसार 23 दिसंबर 1948 को हिदेकी तोजो सहित सभी 6 गुनाहगारों को फांसी दे दी गई थी। इनके अलावा 16 अन्य अधिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, बाकी 2 में से 1 को 20 साल और 1 को 7 साल की सजा सुनाई गई। इस ट्रायल के दौरान एक दिलचस्प घटना घटी थी, जब हिदेकी तोजो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और पीछे बैठे हुए सुमई ओबामा नाम के एक जापानी ने हिदेकी तोजो के सर पर एक तमाचा मारा, यानी कि पट से हेडशॉट। साथ ही साथ इस ट्रायल की सबसे दिलचस्प बात यह भी रही कि ट्रायल के दौरान हिदेकी तोजो ने अपने पहले बयान में यह कहा था कि जापानी सम्राट ही जापान का प्रमुख है, यानी कि हिरोहितो। उनका साफ साफ इशारा था कि जो भी हुआ है उसका जिम्मेदार जापानी सम्राट हिरोहितो ही है। हालांकि बाद में अमेरिकी अधिकारी जोसेफ बी किनन के दबाव में आकर उन्होंने अपना बयान पलट दिया था, क्योंकि अमेरिका सम्राट हिरोहितो को इस युद्ध अपराध से बचाना चाहता था और यह जरूरी भी था ताकि जापान में शांति स्थापित की जा सके और लोकतंत्र की स्थापना हो। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अगर ज्यादा पसंद आए तो अपने काबिल दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। बाकी दोस्तों, विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।